नमस्कार अभ्यर्थियों, रीट परीक्षा भर्ती 2022 के सिलेबस को लेके साथ ही पात्रता को लेके काफ़ी बड़ी अपडेट जो है देर रात को निकल के सामने आई है। इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं कि रीट परीक्षा भर्ती 2022 का सिलेबस में क्या क्या ऐड किया गया है, साथ ही किस तरीके से रीट परीक्षा भर्ती इस बार जो है नए पैटर्न से होगी, तो किस तरीके का पैटर्न जो है रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जो है स्पष्ट रूप से जानकारी शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि इस वीक में शिक्षक भर्ती का सिलेबस जो है वो जारी हो जाएगा। इसी वीक में आज भी, कल भी, परसों भी, कभी भी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है इसका सिलेबस जो है वो जारी किया जा सकता है। साथ ही आप देख सकते हैं, रीट पात्रता परीक्षा के बाद आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से तैयार है और बहुत ही जल्द जो है कभी भी सिलेबस जारी किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो आप देख सकते हैं, रीट पात्रता परीक्षा के नंबर जो है रीट का जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। इसके बाद शिक्षक भर्ती के अंकों के आधार पर ही जो है फाइनल मेरिट जो है अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। एक प्रश्न दो नंबर का यहाँ पे जो है रखा गया है। साथ ही जो मेरिट है वो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, यानी कि जिला स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तर पर बनाई जाएगी। राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी कि राजस्थान GK जो है उसका समावेश जो है सिलेबस में काफ़ी रहने वाला है, यानी कि राजस्थान GK का पोर्शन जो है इस बार जोड़ा जाएगा सभी सब्जेक्ट में। बीकानेर निदेशालय द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए भी यहां पे जो है अपील की गई है। साथ ही यहां पे हम बात करें रीट परीक्षा भर्ती में तो क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो सबसे पहला जो बदलाव है ये हुआ है राजस्थान GK यानी कि सामान्य GK को जो है यहाँ पर ऐड किया गया है। साथ ही मेरिट जो है राज्य स्तरीय बनेगी। इसके अलावा पात्रता परीक्षा के नंबर जो है वो नहीं जोड़े जाएंगे। इसके अलावा सिलेबस जो है कभी भी जारी किया जा सकता है। जैसे ही सिलेबस जारी होगा सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले से ऊपर जानकारी देखने को मिलेगी। इसके लिए अभी आप वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पास में बेल घंटे के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।